जापान के न्यायालय ने, जापान की जो सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, उसने एक फैसला दिया छोटा सा। उनका कहना है जो एलजीबीटी समुदाय वहां का है, जो होमोसेक्सुअल समुदाय वहां का है, या कोई व्यक्ति, वो होमोसेक्सुअल है नहीं मैटर नहीं करता, अगर उसको अपना जेंडर बदलना है। अब तक होता क्या था, मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति है एलजीबीटी समुदाय में, ऐसे समुदाय होते हैं जो उनका फिजिकल अपीयरेंस पुरुष का हो सकता है लेकिन उनका बिहेवियर अपीयरेंस, उनका साइकोलॉजिकल अपीयरेंस महिला का हो सकता है। अपने को महिला मानते हैं वो, जापान में भी होता है ऐसा, हर दुनिया में जगह मिलेंगे ऐसे लोग आपको जो फिजिकली कुछ और का अपीयरेंस है लेकिन वो साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली कुछ और जेंडर में जाना चाहते हैं। जापान में इनका संविधान ये कहता था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने फिजिकल अपीयरेंस को छोड़कर, जो उसका वास्तविक जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो शारीरिक अपीयरेंस है, उसका मुकाबले दूसरे लिंग में जाना चाहता है, तो उसको एक सेक्स या जेंडर चेंज करने के ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, सर्जरी होगी उसमें, उसके बाद उसको दस्तावेज मिलेगा। कोर्ट ने माना, वहां के कई मामला चल रहा था लंबे समय से, कोर्ट ने माना गलत है ये, किसी के साइकोलॉजिकल और बिहेवियर बदलाव को देखते हुए उसका फिजिकल व्यवहार बदलना जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं महिला हूं, बोले पुरुष का फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है उसका, वो कह रहा है महिला हूं मैं, तो मान लिया जाए महिला